हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है द कैंटरविल कोस्ट और इसे लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। ये एक आयरिश राइटर, पोइट और ड्रामेटिस्ट थे। इन्हें शब्दों के साथ खेलना बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। वे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही मजेदार और चटकीले तरह से करते थे। उनकी कहानियों में से कुछ चुनिंदा कहानियां हैं द हैप्पी प्रिंस एंड अदर स्टोरीज, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, लेडी विंडरमियर्स फैन और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। सबसे पहले हम लोग इस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, आखिर इस स्टोरी में है क्या। तो द कैंटरविल कोस्ट एक बहुत ही मजेदार भूतिया कहानी है। इस कहानी में कोई डर, कोई टेंशन नहीं, बस मस्ती ही है। यह इंसान भूत से नहीं बल्कि भूत इंसान से डरता है। इस भूत को डराने वाली फैमिली थी एक अमेरिकन फैमिली, जिनकी डिक्शनरी में डर वर्ड के लिए कोई जगह ही नहीं थी। तो आइए जानते हैं इस फैमिली के मेंबर्स और साथ ही इस कहानी के दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में। पहले हैं लॉर्ड कैंटरविल। ये एक हवेली के मालिक है और उस हवेली का नाम है कैंटरविल चेस। दूसरे हैं मिस्टर एंड मिसेस ओटीस। ये एक अमीर कपल है जो कैंटरविल में रहने आते हैं। तीसरी है मिसेस ओमनी। ये हवेली की हाउसकीपर है, मतलब वहाँ की नौकरानी। चौथे हैं वॉशिंगटन, ओटीस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा। पांचवी है वर्जीनिया, ओटीस की इकलौती बेटी। छठे हैं लुइस और क्लार्क, ये जुड़वा भाई हैं और ओटीस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर। और सातवें हैं घोस्ट, जो कैंटरविल में पिछले 300 सालों से रहता आ रहा था। चूंकि ये एक नाटक है इसलिए इसे सीन वाइज दिखाया गया है। तो देखते हैं सबसे पहले सीन वन को। इसमें कैंटरविल के अंदर के सिचुएशन को दिखाया जा रहा है। लॉर्ड कैंटरविल मिस्टर ओटीस से कहते हैं, मैं वाकई में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप कैंटरविल को खरीदना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मिस्टर ओटीस कहते हैं, ओ क्यों नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो जरूर। लॉर्ड कैंटरविल फिर कहते हैं, ओके, यहाँ पे भूत रहते हैं। मिस्टर ओटीस कहते हैं, भूत, आप क्या बात कर रहे हैं। लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं, हाँ मुझे डर है कि यहाँ पे भूत रहते हैं। मुझे लगता है पहले आपको हमारी फैमिली स्टोरी के बारे में सुन लेना चाहिए। मिस्टर ओटीस कहते हैं, ओके सुनाइए। फिर लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं, मैं आपको अपने ग्रैंड आंट यानी दादी के बारे में बताता हूँ, जो एक विधवा थी और एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि ये एक नाटक है, तो अब इसमें पास्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी ग्रैंड आंट के साथ क्या हुआ था। तो आइए इसे देखते हैं। ग्रैंड आंट किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। उनकी हाउसकीपर उन्हें संभालती है, लेकिन फिर ग्रैंड आंट चिल्लाना शुरू कर देती है, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। फिर ऐसा लगा जैसे वो किसी और पे चिल्ला रही है और उसे कहती है, प्लीज मुझसे दूर रहो, मुझे मत छुओ, अपने हाथों को मेरे कंधे पर से हटाओ। फिर उनकी हाउसकीपर उनसे कहती है, मैडम शांत हो जाइए, कोई भी यहाँ पे नहीं है, देखिए अपने चारों तरफ। ग्रैंड आंट फिर कहती है, नहीं यहाँ पे कुछ तो है, मैंने भी पहले उसे नोटिस नहीं किया था, मुझे लगा जैसे हवा का एक झोंका है, लेकिन मैंने उसके हाथों को देखा है। अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ लॉर्ड कैंटरविल मिस्टर ओटीस से कहते हैं, मेरी ग्रैंड माँ इतनी डर गई थी कि वे सदमे से कभी उभर नहीं पाई। फिर मिस्टर ओटीस कहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बात का भरोसा करूं। तो लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं, मिस्टर ओटीस यहाँ पे भूत है और हमारी फैमिली के कुछ मेंबर्स ने भी भूत को देखा है। जो हमारे ग्रैंड आंट के साथ हुआ उसके बाद से कोई भी स्टाफ यहाँ पे नहीं रहना चाहता, यहाँ तक कि लेडी कैंटरविल भी ठीक से यहाँ पे सो नहीं पाती है क्योंकि अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती है कॉरिडोर और लाइब्रेरी से। फिर मिस्टर ओटीस कहते हैं, तो आप कहना चाहते हैं। इतने में ही लॉर्ड कैंटरविल उनसे कहते हैं कि हम खुद ही इस हवेली में नहीं रहना चाहते हैं, ये हवेली एक बहुत ही डरावना एहसास दिलाती है। ये सब सुनकर मिस्टर ओटीस लॉर्ड कैंटरविल से कहते हैं, मुझे ये हवेली चाहिए इसके फर्नीचर और घोस्ट के साथ। लॉर्ड कैंटरविल कहते हैं, ओके आपकी जैसी मर्जी, पर आपको चेतावनी देना मेरा काम था। मिस्टर ओटीस बहुत ही फनी वे में कहते हैं,
हम एक मॉडर्न कंट्री से आए हैं, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, हमारे पास पैसे हैं और हम पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं। इस पर लॉर्ड कैंटरवेल कहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? मिस्टर रोटीज कहते हैं, माय डियर लॉर्ड, हम इस हवेली के साथ उस घोस्ट को भी खरीद लेंगे अगर रियली में वो यहाँ है तो, और उसे म्यूजियम में सजा के रखेंगे और हो सके तो घोस्ट सो भी करवा देंगे। लॉर्ड कैंटरवेल फिर कहते हैं, ओके, इस हवेली में भूत के रहने से आपको ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भला क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट बार आपको बता देता हूँ कि वो घोस्ट यहाँ पे पिछले 300 सालों से है और जब भी फैमिली का कोई मेंबर मरने वाला होता है तो उससे पहले वो नजर जरूर आता है। मिस्टर ओटीज कहते हैं, वेल, वो तो फैमिली डॉक्टर भी करते हैं लॉर्ड कैंटरवेल। लॉर्ड कैंटरवेल कहते हैं, ऑल राइट कैंटरवेल, अब आपका हुआ। अब सीन टू की बारी है। सीन टू में मिसेस ओमनी पूरी ओटीज फैमिली को चाय सर्व कर रही होती है और पूरी फैमिली वहां बैठकर उस पुरानी हवेली का आनंद ले रहे होते हैं। तभी मिसेस ओटीज की नजर खून के धब्बे पे पड़ती है। मिसेस ओटीज कहती है कि मुझे डर है कि वहां पे कुछ गिरा हुआ है। मिसेस ओमनी कहती है, यस मैडम, वहां पे खून का धब्बा है। मिसेस ओटीज कहती है, ओ सच में, तुम्हें पता है कि मुझे दाग धब्बे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ कि वो दाग वहाँ से जल्दी हट जाए। मिसेस ओमनी कहती है, ये लेडी कैंटरवेल के खून का दाग है जिनका मर्डर इसी जगह पे उनके हस्बैंड के द्वारा हुआ था 1575 में। लेडी कैंटरवेल के मर्डर के 9 साल के बाद लॉर्ड कैंटरवेल खुद ब खुद यहाँ से गायब हो गए थे। उनकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली और ऐसा माना जाता है कि उनकी गुनहगार आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। वॉशिंगटन कहता है, क्या बकवास कर रही हो, मुझे हटाने दो इस दाग को। वो अपने बैग से स्टेन रिमूवर निकालता है और उसे दाग पे रगड़ देता है। तभी वहां पे बिजली कड़कती है और मिसेस ओमनी डर के मारे बेहोश हो जाती है। ये देखकर मिस्टर ओटीज कहते हैं, क्या बकवास क्लाइमेट है यहाँ का। मिसेस ओटीज कहती है, ऐसी नौकरानी का हम क्या करेंगे जो बात बात पे बेहोश हो जाती है। मिसेस ओमनी फिर होश में आती है और कहती है कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी है सर जो किसी को भी डरा देगी। कई रातों को मैं सो नहीं पाई हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती रहती है। मिस्टर ओटीज कहते हैं, इट्स ऑल राइट मिसेस ओमनी, यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें डरा सके और वो भूत तो हमें किसी भी कीमत पर डरा ही नहीं सकता। अब यहाँ तीसरे सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे अगली सुबह ओटीज के जुड़वा बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं। लुइस कहता है, हे देखो, ये खून का दाग यहाँ पे फिर से आ गया, लगता है वो भूत फिर से आया होगा। क्लार्क कहता है, वॉशिंगटन ने तो इसे हटा दिया था लेकिन ये फिर से वापस आ गया। लुइस कहता है, चलो आज रात में उस भूत को पकड़ेंगे और हम यहीं पे वेट करते हैं। क्लार्क कहता है, ठीक है, तुम वहाँ पे डोर के पास सो जाना और मैं यहाँ पे डेस्क पे सो जाऊंगा ताकि मैं उसके ऊपर कूद सकूं। लुइस कहता है, ठीक है, तो आज रात हम लोग यहाँ पे अपने अपने तकिए लेके आ जाएंगे। अब यहाँ पे सीन 4 दिखाया जा रहा है। ये रात का समय था, मिस्टर रोटीज अपने रूम में सो रहे थे। तभी उन्हें किसी जंक लगे जंजीर की आवाज सुनाई देती है और वे उठ जाते हैं। मिस्टर रोटीज कहते हैं, ये कैसा आवाज है, ये तो और भी नजदीक आते जा रहा है। नहीं, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, अब तो मुझे पैरों की आवाज भी सुनाई दे रही है। मिस्टर रोटीज अपने कमरे से लुब्रिकेटिंग ऑयल का एक डब्बा लेते हैं और दरवाजा खोलते हैं और सामने उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी। उसके बाल काफी लंबे और मुड़े हुए थे। उसने ओल्ड फैशन के गंदे कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। मिस्टर ओटीज कहते हैं, माय डियर सर, आपको इस तरह की आवाजें नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने चेन पर तेल डाल लें। मैं ये बॉटल यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसे अपने चेन पर ज़रूर अप्लाई करें और मुझे बताएं अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो। नाउ गुड नाइट। इतना बोलकर मिस्टर ओटीज अपने कमरे में चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं।
कैंटरबेल घोस्ट अपने आप में बातें करते हैं और कहते हैं, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की, इसकी एडवाइस। अब देखो मुझे, मैं क्या करता। वो अपने चारों तरफ ग्रीन लाइट फैला देता है और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है और सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। ओटीज के वे दोनों जुड़वा बच्चे क्लार और लुइस उसका सीढ़ियों पर वेट कर रहे थे। वे दोनों ट्विन्स एक साथ चिल्लाते हैं, पकड़ लिया तुम्हें, और उस घोस्ट पे पिल्लो फेंकना शुरू कर देते हैं। वो भूत वहां से डर के मारे भाग जाता है। अब यहाँ पे पांचवे सीन को दिखाया जा रहा है, जहाँ पे वो घोस्ट खुद से बातें करता है और बहुत ही गुस्से में है। इन सारी घटनाओं से वो घोस्ट बहुत ज्यादा डर गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और खुद से बातें करते हुए कहता है, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। क्या वे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? उन्हें शायद ये नहीं पता कि मैं कितना डरावना और खतरनाक हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये अमेरिकन्स दुष्ट और घमंडी मुझसे ही कहते हैं कि मैं अपने चेन को ग्रीस करूं, और वे जुड़वा बच्चे मुझ पे पिलो फेंकते हैं मेरे माथे पे। मैं भी एक भूत हूँ, मैं अकेला नाइन पिन्स खेल सकता हूँ। नाइन पिन एक गेम का नाम है। फिर वो खुद को शांत कराते हुए कहता है, ओके शांत हो जाओ, कुछ और सोचना पड़ेगा। भूतों के इतिहास में आज तक किसी की इतनी इंसल्ट नहीं हुई होगी। मैं बदला लूंगा, इनकी हिम्मत कैसे हुई। तो ये कहानी यहीं पे एंड होती है दोस्तों। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। वैसे भूतों के बारे में आपका क्या ख्याल है, और ये भूत बाकी भूतों से कितना अलग है, मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।